अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेरचाइजर। आज आपको बहुत ही अच्छा कस्टर्ड क्रंच जीरो कस्टर्ड मैंगो, यानी कि क्रंच मैंगो चेरी कस्टर्ड बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होता है। आप बनाइएगा घर में, रखिएगा मेहमान के आगे तो खुश हो जाएगा। तो आए हम आपको बताते हैं क्रंच मैंगो जेली कस्टर्ड कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले देखें जी, हमने ये दूध ले लिया, एक किलो दूध ले लिया, एक किलो एक पाव दूध ले ले, उसको पका लें। पकाने के बाद उसको उतार लें ये नॉर्मल हीट पे, सही है, ये रख लिया। इसके अंदर जाएगा एक कप चीनी, एक प्लेन केक जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ हमारे उसके ऊपर है, अभी और मजीद इंशाल्लाह ताला बेकिंग शेप में आपको मुख्तलिफ किस्म के केक डाल रहा हूँ अभी, बस फारिक हो जाए हम, जैसे हम जैसे ईद की अभी रेसिपियाँ डल रही हैं तो उसके बाद मैं बेकिंग शेप की तरफ आ रहा हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। तो उसमें से आप देख लीजिएगा इस तरह का एक केक बना लीजिएगा। आधा किलो आम ले लिए हमने, कोई सा भी अच्छा आम ले लें, सही है। मैंने सिंदरी लिया, सिंदरी आम ले लें, इसको फ्रिज में रख के ऊपर से छिलका उतार के इसके बारीक बारीक स्लाइस बना लें, सही है। ये हो गया, दो जेली ले लें किसी भी कलर के, एक मैंने मैंगो ले लिया, एक स्ट्रॉबेरी ले लिया, सही है। और इसको जमा के हमने काट लिया, ये देखें इस तरह से आप काट लें इसको, थोड़ा जैसे अगर उसके ऊपर दो कप लिखे हैं वो पानी पे, तो एक कप आपने डालना है कस्टर्ड को, यानी कि जेली कोई भी बनाएं, और उसको अच्छी तरह पकने दें, जेली डाल के उसको अच्छी तरह पकाएं, और बिल्कुल पकाने का फिर उसको जमाएं, दो मिनट में जम जाता है, सही है। ये हो गया, एक चीनी का एक कप ये समझ लें, ये भी चीनी का ये ले लेंगे हम, और तकरीबन 25 ग्राम बादाम, ये हम क्रंच बनाएंगे जो इसके ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रंच, ये देखें जी, क्रंच के लिए हमें चाहिए एक कप चीनी, बहुत आसान, सही। इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाना है, सही। इसको मेल्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह मेल्ट हो गया जी। चीनी हमें डाली इसमें, कोई चीज नहीं डालनी, देखें मेल्ट हो गई, दरमियानी आंच रखें और इसको हिलाते रहें। जैसे ये मेल्ट होना शुरू होगी तो हम इसको वफ्फे वफ्फे से नीचे उतारेंगे ताकि ये काली ना हो, ठीक ना। अभी इसको मेल्ट होने दें, सिलो दरमियानी आंच रखें, ज्यादा तेज आंच नहीं रखें। अभी देखिए ये अभी हो जाएगी, दो मिनट लगते हैं। ये आप क्रंच केक जो बनता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला बेकिंग शेप में डालने वाला हूँ क्रंच केक, वो भी देखिएगा। हाथ बचाइएगा, बहुत खतरनाक होता है, जहाँ पे इसका एक कतरा भी डल गया समझो वो उंगली खत्म आपकी, पूरा गोश्त उड़ जाएगा। ऐसे जैसे गर्म हो जाए ज़्यादा, आपने नीचे उतारना है, मुंह पीछे रखना है, पानी बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, यूँ करने के बाद जब ठंडा होने लगे फिर रख देना आप। चूल्हा दरमियाना रखिएगा, तेल रखेंगे सब जल जाएगा, एक मिनट में काला हो जाएगा बिल्कुल ये, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। ये देखें यूँ हिलाते हैं, नीचे कर लिया हमने, जब आपने देखना बिल्कुल चीनी का दाना मेल्ट हो गया फिर आपने उतारना है, बिल्कुल मेल्ट हो गया दाना, खत्म हो गया दाना, इसको उतार लें। ये थोड़ा सा अपना जो आपका किचन का काउंटर है उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको यूं अच्छी तरह एक हिस्से पे लगा दें। ये बेलन ले आते हैं, ये देखे बेलन पे भी जेंट्स लगा लें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाने के बाद, ये जो बादाम है या तो पीस लें इसको या फिर इसी तरह डाल लें, तो बादाम चलेंगे इसके अंदर, इसको हमने मिक्स कर देना क्योंकि ये तो पिसना ही है, जब पिसेंगे तो बादाम भी पिस जाएंगे। अब इसको हम निकाल देंगे, हाथ बचाइएगा बेटा पीछे रहना।
उसको अभी थोड़ा सा लगाएंगे। सही जी, हमने डाल दिया था, ये ठंडा हो गया, देखें ये। इसको साइड पे करें। सही, अब जो ये हमारे हमने तेल लगाया था ऑयल, कोई भी कपड़ा ले लें घर का साफ साफ, उससे इसको साफ कर लें। सही जी, ये हमारा हो गया। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप उसको पीस लें, अभी भी पीस सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन गर्म है ना। सही, इसको हम साइड पे रखते हैं, फिर भी पीसेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम पीसते हैं, जब तक हम कस्टर्ड बनाते हैं अपना। सही जी, कस्टर्ड के लिए बहुत आसान, उबला हुआ दूध हमने ले लिया, उबाल लिया था पहले दूध, इसके अंदर हमारा गया ये 1 कप चीनी। कस्टर्ड तो आप लोगों को आता होगा, पर इसकी आपने डेकोरेशन देखनी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही जी, वैसे कस्टर्ड हमेशा जब भी बनाएं कोशिश करें कि आपका कस्टर्ड, अगर आपने कोई किसी चीज का इस्तेमाल करना है, फ्रूट का, जेली का, किसी का, तो कस्टर्ड हमेशा सख्त रखें, हार्ड होना चाहिए कस्टर्ड, वो नहीं कि पानी की तरह, वो तो फिर बेकार हो जाता है। तो अब हमने डाल दिया, अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी, जब तक हम अपना केक सजाते हैं, इसके अंदर जो जो हमने डालना है, देखें जी ऐसे रख लें आप केक। सही, ये केक हमने इसमें लगा दिया, अब इसको अलग रखें, अभी हम कस्टर्ड पका रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। सही जी, हमने चूल्हे पे रख दिया, इसमें चीनी डाल दी थी, यानी कि पहले हमने उबाल के इसको बंद कर दिया था, ठंडा कर लिया था इसको। सही, अब हमने इसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ाया और इसके अंदर चीनी डाल दी, और इसी में से 1/2 कप के करीब हमने दूध निकाल लिया जो कि हम कस्टर्ड में मिक्स करेंगे। सही, चीनी का दाना खत्म हो जाए और एक हल्का सा उबाल आने लगे, तो उस टाइम हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल के और उसको जल्दी से पका के जल्दी से सेटिंग करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। ठंडा हो गया, अब इसको हमने कोई भी बेलन ले लें, ये वो बेलन है जो बहुत लोगों के काम आता है, बड़े बड़े बिगड़े हुए भी सुधर जाते हैं इस बेलन से। कोई अच्छा सा बेलन ले लें जो सबने लिया होगा लाजमी। देखिए, आजकल गर्मी है, क्रंच बार रुकेगा नहीं, इसको आपने पीस के फौरी तौर पे डिफ्यूजर में बगैर हाथ लगे हुए पानी पानी बिल्कुल इसके नजदीक नहीं लेके आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल पानी हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्रंच कितना बारीक करना है। ये नॉर्मल हो गया, बिल्कुल पानी वाला हाथ नहीं लगेगा, पानी वाली कोई चीज नहीं लगेगी, वो लगेगी तो ये उसी टाइम खराब हो जाएगा। इसको आपने किसी भी बर्नी में डाल के और डीप फ्रीजर में रखना है, प्लास्टिक की थैली चढ़ा के, ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके, पानी गया तो बेकार, तो किसी काम में नहीं आएगा। सही, ये जो ये हम सारा इसको रख रहे हैं, देखिए इंशाल्लाह कस्टर्ड बहुत ही मजे का बनेगा, जो खाएगा तारीफ करेगा आपके, आपकी कि हाँ वाकई किसी ने कुछ चीज खिलाई है। तो लोहरी कस्टर्ड भूल जाएंगे आप, लोहरी कस्टर्ड जो लोहड़ वाला होता है ना, लोहड़ वाला कस्टर्ड है, लोहड़ वाला कस्टर्ड आप भूल जाएंगे, ये हमारे कराची वालों का कस्टर्ड है, लोहड़ वाला भूल जाएंगे आप कस्टर्ड। सही है, तो इसको फिर हमने ऐसे बांध के इसको हमने फ्रिज के अंदर रख देना, फ्रिज के अंदर। सही है, अब फ्रिज के डीप फ्रीजर में रखेंगे, फिर बाद में हम निकालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। सही जी, ये देखिए उबाल आ रहा है इसका,
तो ये जैसे अब हमारे उबाल आ जाएगा, ये जैसे उबाल आने वाला है ना, अब हमने जो वो रखा था अपना कस्टर्ड और थोड़ा सा इसी में से दूध निकाल लिया था आधा कप, अब हम वो मिक्स करके इसके अंदर मिलाते हैं। अब हमने चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देना ताकि उसको हम मिक्स करके आए। सही जी, ये हमने ले लिया अपना मैंगो कस्टर्ड 4 टेबल स्पून। अब इसके अंदर ये दूध जाएगा। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी कस्टर्ड हो, जैसे आपने वनीला ले लिया, पाइन एप्पल ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा आपने सूखा कलर, कौन सा मैंगो कलर, कौन सा होता है मैंगो कलर, होता है जो कि आपके घर में जर्दा कलर होता है, वो आपने इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लेना। और हमेशा देखें इनके अंदर जो भी एसेंस होते हैं इनके अच्छे नहीं होते एसेंस, तो इसलिए आप ये सिंदरी का एसेंस आता है बड़ा अच्छा, ये लेके आए, इसके चंद कतरे आप डाल गए तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं तो हर चीज़ में अलग से एक्स्ट्रा डालता हूँ ताकि उससे फिर बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। सही, ये हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप उंगली की मदद से करें। ये देखें ये हो गया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चले अब हम उसके अंदर मिला, देखें जी ये चूल्हा हमने तेज कर दिया और आस्ता आस्ता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही, कस्टर्ड के अंदर कलर आपको पता हल्के होते हैं, सही ना, तो इसलिए आपने कलर उसके अंदर एक्स्ट्रा मिला ले, कोई मसला नहीं, हर चीज का कलर थोड़ा होगा अच्छा तो फिर ही अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा हमने इसको सख्त पोजीशन में रखना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना है, पतला रखेंगे उसके अंदर जो भी चीज हम मिलाएंगे वो सब कलर छोड़ देगी और सब बेकार हो जाता है वो इसीलिए होता है कि वो बिल्कुल हम लोग यानी कि पतला बनाया होता है, उसके अंदर फ्रूट भी मिला देते हैं, सब कुछ मिला देते हैं, फिर उन चीज़ों का पानी निकलता है वो फिर उसको बिल्कुल बेकार कर देती है। वो फिर ये कि आप जल्दी जल्दी खा लें तो बेहतर है, दूसरे दिन आप नहीं रख सकते, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सख्त रखें इसको कस्टर्ड को, थोड़ा कस्टर्ड सख्त होगा उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दें इंशाल्लाह ताला खराब नहीं होगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कलर मिलाया, कौन सा जर्दा कलर जो कि घर का होता है वही मैंगो कलर होता है, तो वो मिला दें, हमने एसेंस भी मिला दिया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर कस्टर्ड के अंदर तो एसेंस ऐसे ही होते हैं जाली। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी कस्टर्ड बनाना भी सिखाऊंगा, कस्टर्ड हो गया आपका, शीर कोरमा हो गया, जो भी चीज़ें हैं जो कि डब्बा पैक में मिलती है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, तमाम मसाला जात, तमाम सॉसेस, हर चीज़ जो कि आप घर में जल्द से जल्द बना सकें। ये देखें जब इसको हिलाते रहें और इसको एक उबाल देंगे हम, सही है, एक से दो उबाल बस, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, अच्छी तरह इसको मिलाएं। पहले देखें उबाल आ रहा है, एक उबाल आएगा उससे देखेंगे क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद नहीं तो अगर पतला हुआ तो फिर एक और उबाल बस, ऐसे ही जाता है। सही, हम फिर अब आपको बताते हैं कि कितना कैसे है। जी ये पकड़ा है हमारा, अभी इसको हमने पकने देना है अच्छी तरह, जैसे आप देखो कि हाँ गाढ़ा होने लगा है तो फिर हमने उतारना है, जैसे बबल आ गए तो समझो तैयार है एक तरह, लेकिन मैं थोड़ा सा और पकाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सख्त चाहिए उसको, बिल्कुल आपने पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये देखें ऐसे लगने लगे ना तो समझ जाए कि आपका तैयार है। तो ये एसेंस अलग से मिलाया करें, बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। तो देखें जी अभी चारों तरफ से हो गया, आप समझे तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं उसको सजाते हैं कि किस तरह हमने सजाते हैं। हमारा देखें कस्टर्ड भी पक गया, इस कंडीशन में रखना है इसको अच्छी तरह, आपने उसका धुआं निकाल देना खिलाते हो। अब क्या, ये देखें हमने फ्रेश क्रीम ले ली है, इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा एसेंस डाला है, बनाना मैंगो एसेंस और थोड़ा सा कलर, उसको बीट कर लिया, वो यानी कि वेपी क्या कहते हैं वेप क्रीम ले ली हमने, और वेपी तो लिएगा भी नहीं बेकार होती है, तो ये ले लें। अब इसके अंदर जाएगा हमारा, अब ये लगा दिया हमने, ये आ गया हमारा, तो देखें ऐसे लगाए पहले,
कपड़ा पास रखिए। दोनों मिक्स करके डाले। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हो गया, इसको हिला लिया आपने अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह का मन। तो ये हो गया और मैंने हम तो ये थोड़ा सा बचा दिएगा आपको लगाने के लिए। ये हमें थोड़ा थोड़ा रखिए ऊपर लगाने के लिए। शंकर दबाए तब ताजा इसको फिर मिलाए हल्की से। चमचे की मदद से ये हो गया। अब इसको हमने ठंडा करना है, फिर हम आपको इसकी और डेकोरेशन करनी चलाएंगे किस तरह। हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, आप इसको फ्रिज में रख के तकरीबन 2 घंटे ठंडा कर लें, उसके बाद आपने करंट डालना है, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब हम इसके ऊपर ये जो करंट हमने बनाया था देखें बेहतरीन, ये अब इसके ऊपर डालेंगे सारा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही क्रंच डालना चाहते हैं क्रंच। अच्छा देखें इसको ट्रैफर भी कहते हैं, तो वैसे तो कस्टर्ड ही है लेकिन कस्टर्ड ट्रैफर भी कह सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो हम तो कस्टर्ड ही कह रहे हैं इसको, कस्टर्ड ट्रैफर से लिख लें आप। सारा डाल दें ये हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से हैं, बुशरा एडवोकेट। ये मैं अगर वो सुन रही हैं देख रही हैं रेसिपी तो ये आपके नाम करता हूँ। आप ये खाएं, आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है आजकल, ताकि आप एकदम ठंडी ठंडी रहें। और आप बहुत प्यारी बहन हो हमारी, मौला आपको खुश रखे सलामत रखे। ये हमारी बहन है बलूचिस्तान से, बुशरा एडवोकेट, माशाल्लाह जज बनने वाली है। इनको मेरा बहुत बहुत सलाम, ईद मुबारक आपको। और ये आप देखें आपके नाम मैं करता हूँ रेसिपी। करने के बाद हमने फ्रेश क्रीम ले ली है, वेप क्रीम, इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना। ये देखें, ये देखें, ये हो गई। ये ले लें आप कॉर्न, इसको काट लें थोड़ा सा, कोई सा भी ले लें ऐसा। हम तो इसको अपनी जबान में निप्पल कहते हैं, आप कोई सा भी ले लें।
या नई जबान में जो भी कहते हैं वो ले लें आप, क्योंकि भाई आजकल तो हर चीज चेंज हो गई है, नए नए नाम है, हमें नहीं आते इतने नाम भाई, हम तो सीधे सीधे बंदे हैं, ना ही कोई बहुत टॉप क्लास शेफ है, हम तो गिनती में ही नहीं आते। तो ये इसको हमने सही जी, ये हो गया हमारा। अब आपने इसके ऊपर डिजाइनिंग कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए बिस्मिल्लाह हमारी, मैं वो आपको चीज सिखाता हूँ जो कि आप आसानी से कर लें। ये देखें बिस्मिल्लाह हमारी न्यू, सही इतना बहुत है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं करिएगा नहीं तो हमारे लोहर वाले भाई नाराज हो जाएंगे। ये आ गया हमारा, इधर हमने आम लगा देना है, आम इधर बड़ा अच्छा लगता है, लोहरियों की जबान पड़े एडे होता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। आई लव यू लॉर्ड, हंसो खेलो मौज मस्ती करो, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा भाई, इसलिए हम तो हंसते खेलते रहते हैं आपकी दुआओं से। सही, कोई चीज बचाए नहीं, लगा दें जितनी चीजें लगा देंगे उतना अच्छा लगेगा, मजेदार बन जाएगा, सही ना भाई। सही, ये हो गया हमारा। अब अगर आपके पास चेरी है तो आप एक एक चेरी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो चेरी नहीं है तो कोई चीज तो लगाए यार इसके ऊपर, चलो खैर नहीं है, हम ये थोड़ा थोड़ा जेली लगा देंगे। ये देखने जेली भी हमारा सख्त है, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, ये इंशाल्लाह ताला पानी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जेली को अच्छी तरह पकाया करें बेहतरीन तरीके से। सही जी, ये बहुत है इतना काम इसके ऊपर। ये हमारा मैंगो जेली क्रंच, कस्टर्ड भी कह सकते हैं, ट्रैफल भी कह सकते हैं, सही है। तो ये आप बनाइएगा इंशाल्लाह ताला, फिर हमारे चैनल पे आइएगा किंग शेफ शाइजर जीए पाकिस्तान, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिखे 03150490499, 03150490499। इसके साथ ही सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। आज से मेरा रोज से डबल नारा हो जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद पाक रेंजर्स जिंदाबाद, और पाक पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना।